मुंबई पुलिस ने मलाड पुलिस स्टेशन की हद में हुई 25 करोड़ रुपए की लूट के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुंबई की लेडी डॉन के नाम से कुख्यात करीमा आप और उसके गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 28 अगस्त को हुई 25 करोड़ की लूट के मामले में महिला आरोपी करीमा आपा समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मलाड पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लूट के मामले की मुख्य आरोपी करीमा आपा है। लूट का सबसे ज्यादा हिस्सा इसी ने लिया था। इतना ही नहीं, सभी आरोपियों को भगाने में भी इस लेडी डॉन की अहम भूमिका रही है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि लेडी डॉन करीमा आपा सड़कों पर घूमने वाले लावारिश और अनाथ बच्चों को क्रिमिनल बनाने का भी काम करती थी। करीमा आपा के खिलाफ वसूली और किडनैपिंग जैसे 15 से ज्यादा मामले अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक फॉरेक्स ट्रेडर के कर्मचारी के साथ डकैती का मामला मलाड पुलिस स्टेशन में गढ़ा था, जिसमें 1,25,00,000 का कैश उससे कुछ लोगों ने लूटा था। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने 15 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट किया है। 50 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर किया है। गुने में यूज किए हुए मोटरसाइकिल, हथियार वगैरह सब जब्त किया है। और तपास में ऐसा निष्पन्न हो कि ये गुनेगारों की टोली ने ये गुना किया हुआ है और ये सोची समझी साजिश के साथ ही ऑर्गेनाइज गैंग ने क्राइम किया है। इसलिए इसके अंदर MCOCA के कायदे के अंतर्गत अभी इसके अंदर आगे का तपास पुलिस करने वाली है। इसके बारे में माननीय अपर उत्तर प्रदेश के विभाग के एडिशनल CP साहब ने इसके बारे में मौका के अंतर्गत कार्रवाई का परमिशन कल मलाड पुलिस स्टेशन को दिया है। टोली प्रमुख कृष्णा गोडांबे नाम का व्यक्ति है इसके अंदर, और एक महिला का भी इसके अंदर करीमा अप्पा नाम की महिला भी अटक आरोपियों में से एक है जी। कुल इसके अंदर और भी इसी तरह के गुने रजिस्टर, इसीलिए मौका के अंतर्गत कार्रवाई हुई है।